अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज मुझे एक छोटा सा टास्क करना था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना कर शेयर कर दूँ। ये जैसे नंबर एक, नंबर टू, नंबर थ्री, और नंबर भी साथ लेके हुए हैं और नाम भी साथ लिखा हुआ है, और इनको मैंने स्प्लिट करना है। क्या करूँ कि मैं इस तरह लिखता जाऊँ, इनको ऐसे क्लिक करके वन करूँ, फिर ये रिमूव करूँ, फिर इसमें से स्पेस भी आ जाएगी, इस तरह मैं करता जाऊँ, तो ये एक गलत तरीका है, ठीक है ना? ये एक इस तरह नहीं करना। ओके, हमें क्या करना है, हमें एक फार्मूला लगाना है, मुझे एक फार्मूला लगाना है। जैसे ये हुआ हुआ है, इस तरह मुझे एक फार्मूला लगाना है। इधर मैं फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू लेफ्ट। वो कह रहा है कि टेक्स्ट कौन सा है, टेक्स्ट ये है। अब कह रहा है कितने करेक्टर आपको चाहिए। लेफ्ट हैंड से एक वन है और उसके आगे एक स्पेस है, टू करेक्टर है। मैं टू करेक्टर से देता हूँ। अब ये आ गया, और इस पर क्लिक करके मुझे इधर से करके कंट्रोल डी करूँगा तो ऑटोमेटिकली सब पर वो ही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब मुझे इंग्लिश में जो है नाम लिखा हुआ है वो नाम चाहिए, इज़ इक्वल टू RIGHT राइट। कह रहा टेक्स्ट दें। इसके बाद मुझे, मैं कहता हूँ कि पूरी लेंथ को काउंट करो। लेंथ का एक फार्मूला आता है, लेंथ। लेंथ कह रहा है अब टेक्स्ट दो। टेक्स्ट मैंने उसे दे दिया कि इस टेक्स्ट की, इस सारे टेक्स्ट की लेंथ लो। अगर इसमें इसके काउंट करेगा, लेंथ का मतलब है इसमें अगर आठ करेक्टर है तो वो आठ करेक्टर की लेंथ को पढ़ेगा, इसके लेंथ को पढ़ेगा। इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ करेक्टर दे जो आपको नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि जो लेंथ है उसने काउंट की है उसमें से -2 कर दे, वो करेक्टर जो -2 है ना, स्टार जहाँ से हो रहा है, वन और एक स्पेस -2 मैं करता हूँ, और अब मैं एंटर करता हूँ। ये देखें उसने नाम लिया है, और इधर तक मैं करके कंट्रोल डी करता हूँ तो ये सब उसने सेपरेट कर देंगे। अब आपको ये बीच में स्पेस नज़र आ रही होगी, इनमें कुछ में स्पेस है कुछ में नहीं है, जो स्टार्ट से होते हैं। अगर आप इस तरह करोगे, क्लिक करोगे तो आपको फार्मूला आएगा आपका, क्योंकि स्पेस आपको नहीं शो करवाएगा। मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके चेक करवाता हूँ, फिर आपको समझ लग जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये स्पेस है, ठीक है, इनमें स्पेस नहीं है। अब इसमें इसको करने के लिए क्या मुझे करना है, मैं एक और छोटा सा फार्मूला तो लगा लेता हूँ। इधर मैं करता हूँ, ट्रिम, कह रहा टैक्स दो, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो टेक्स्ट ही है। इसे करता हूँ, इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब आप करें, अब आप देखें इनमें स्पेस है, वो स्पेस ख़त्म हो गई है। ट्रिम का मतलब है कि जो आगे पीछे इसके आगे स्पेस होगी, वो स्पेस वो खुद ब खुद ट्रिम कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।